नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। कक्षा 7 का कुष्ठ आश्रम में रहने वाला बच्चा जो कल शाम लापता हुआ था, क्राइम इंस्पेक्टर ने कड़ी मेहनत की और उसकी साइकिल नहर के पास से बरामद हुई थी। इंस्पेक्टर क्राइम ने नहर का पानी रुकवाया और तलाश शुरू कर दी। तलाश में लगभग ग्रामीणों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और नहर के कोना कोना छानते हुए नजीबाबाद बूंदकी रोड के पुल के पास आए, जहां पर युवक की पानी में लाश दिखाई दी। पुलिस ने लाश को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। हाँ राकेश का मैं बताऊं, ये लड़का श्री प्रेम शंकर जी का लड़का है जो कुष्ठ आश्रम में रहते हैं। इसका नाम लड़के का राकेश है। कक्षा 7 में ये पढ़ रहा था। कल शाम लगभग 4 बजे ये लड़का पढ़ने के लिए अपने घर से गया था, लेकिन पढ़ने की बजाय ये नहर पर आ गया। इसकी साइकिल नहर की पुलिया पर रखी पाई गई और वहीं इसके कपड़े थे। ये नहाने के लिए नहर में कूदा था, उसी में हादसे वक्त ये डूब गया और आज इसकी बॉडी सुबह से ढूंढने के बाद जो है पुलिस और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा यहाँ सुभाष नगर से के बराबर जो आगे पुलिया है उसके नीचे इसकी डेड बॉडी पाई। दो बैठे दो। वो साइकिल खड़ी थी, मस्त है। वो गली लगभग 700 मीटर, 1 किलोमीटर समझो, 1 किलोमीटर लगभग। कुछ कपड़े में नाम कर पड़ा, देखिए किस वो किट पड़ी ना।